सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। अलायंस एयर के 2 विमान चालकों के लाइसेंस निलंबित। लैंडिंग के दौरान रनवे से बाहर निकल गया था विमान। रेलवे बोर्ड के तहत गतिशक्ति निदेशालय का किया गया गठन। 100 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं की दे सकेगा स्वीकृति। चाइनीज वीजा केस में कार्ति चिदंबरम को बड़ा झटका। सीबीआई ने किया भास्कर रमन को गिरफ्तार। इस मामले में पहली गिरफ्तारी। हनुमान चालीसा विवाद के बाद एक दूसरे के निशाने पर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और शिवसेना नेता संजय राउत। लेकिन कुछ दिनों तक रहना होगा साथ। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने की असम के सीएम से बात। केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया हर संभव मदद का आश्वासन। भदोही वाराणसी मार्ग पर ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर के कारण 3 की मौत, 6 लोग घायल। रामपुर नवाब काजिम अली ने सपा विधायक आजम खान और अब्दुल्ला पर बोला हमला। कहा इनको दे देना चाहिए इस्तीफा। फिटनेस ना कराने वाले स्कूल वाहनों का निरस्त होगा परमिट। स्कूलों को 15 दिनों का मिलेगा नोटिस। गर्मी बढ़ी तो फूल बंगला में विराजे रामलला। आराधना को शीतलता देने के लिए लगा 10 क्विंटल फूल। यूपी में अब नहीं होगी दवाओं की किल्लत। तो सभी जिलों में ड्रग वेयर हाउस बनाएगी योगी सरकार। पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद भी नहीं रुक रहे अल्पसंख्यकों पर हमले। आतंकवाद का ग्राफ फिर बढ़ा। नहीं थम रहा प्रतिबंधों का सिलसिला। कनाडा ने पुतिन और लगभग 1000 रूसी नागरिकों को प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। तहरीक ए तालिबान के साथ पाकिस्तान ने फिर शुरू की बातचीत। सुरक्षा बलों पर जानलेवा हमले कर रहा है आतंकी संगठन। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर अब्दुल कादर यूनिवर्सिटी को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप। शहबाज सरकार ने दिए जांच के आदेश। पाकिस्तान में इंटरनेट मीडिया पर ईशनिंदा में 2 गिरफ्तार। कानून का हो रहा दुरुपयोग। रोमांचक मैच में जीता सनराइजर्स हैदराबाद। मुंबई को 3 रन से हराया। प्लेऑफ की जंग हुई रोचक। जसप्रीत बुमराह T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। बुमराह ने T20 क्रिकेट में पूरे किए 250 विकेट। आरसीबी ने क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर किया सम्मानित। सहवाग ने शोएब अख्तर पर कसा तंज। आईसीसी ने ऐसे ही नहीं बैन नहीं लगाया था, जानबूझकर कर रहे थे ऐसे काम। तमीम इकबाल ने जड़ा अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक। बांग्लादेश ने श्रीलंका पर किया करारा पलटवार। कांस फिल्म फेस्टिवल के पहले ही दिन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने ऑल ब्लैक लुक में मारी रेड कार्पेट पर धांसु एंट्री। हुस्न पर फिदा हुए कई लोग। तमन्ना भाटिया ने साझा किया अपना रेड कार्पेट लुक। कांस 2022 के रेड कार्पेट पर मोनोक्रोम गाउन में दिखी बाहुबली एक्ट्रेस। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर दी प्रतिक्रिया। वीडियो शेयर कर कहा आप सही बोल रहे हैं।
फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के सेट से लीक हुआ शहनाज गिल का फर्स्ट लुक। बालों में गजरा और साड़ी में पहले कभी नहीं देखा होगा एक्ट्रेस का ये लुक। व्हाइट ट्रफल गाउन में उर्वशी रौतेला ने कांस डेब्यू के साथ ही रेड कार्पेट पर बिखेरा जलवा। एक्ट्रेस की खूबसूरती पर फिदा हुए फैंस। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।